वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. द नेक्स्ट इज इवाज डॉपिंग, अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल कम्युनिकेशंस इज कॉल्ड इवाज डॉपिंग. इट मीन्स कि जब अन्य जो भी यूजर्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन की अनऑथराइज्डली मॉनिटरिंग की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इवाज डॉपिंग कहते हैं. जनरली अपन कहते हैं कि जब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको अनऑथराइज्डली मॉनिटर करना, इट मीन्स उसके अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन उसको गेट कर लेना, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इवाज ड्रॉपिंग कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि वाइल सेंडिंग ईमेल, इफ द ईमेल मैसेज इज नॉट इनक्रिप्टेड, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है एंड द डिजिटल सिग्नेचर हैज़ नॉट बीन यूज, और उसमें कोई भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं किया गया है, देन द अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दीज सिक्योरिटी लूप हॉल्स. यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके अटैकर्स हैं वो क्या करेंगे, जब भी अपन कोई ईमेल सेंड करते हैं अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है या उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं किया गया है, तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको उसका एडवांटेज ले सकते हैं. ये एक इंटरनेट के ऊपर एक अपन कह सकते हैं लूप हॉल्स हैं कि कोई भी इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं है या जिसकी सिक्योरिटी कम, उसको उस पर अटैक किया जा सकता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है उसका अनऑथराइज्डली उसको मॉनिटर करना, वही क्या अपना इवाज ड्रॉपिंग. नेक्स्ट इज फिशिंग एंड फार्मिंग, इट इज द क्रिमिनली फ्रॉडुलेंट प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन और अकाउंट डेटा एटसेट्रा. कि जनरली अपन कहते हैं जो फिशिंग और फार्मिंग दोनों ही जो टर्म है वो क्या है, एक क्रिमिनली फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है किसी की भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर किया जा सकता है या किया जाता है. यूजर नेम हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई अकाउंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, अकाउंट डिटेल्स हो सकती है एटसेट्रा. अब यहाँ पे बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है. इन फिशिंग एन इम्पोस्टर यूज एन ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और वेबसाइट टू ट्रिक अ रिसिपिएंट इनटू गिविंग आउट अ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन. कि जो इम्पोस्टर होते हैं, जो भी यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक लुक लाइक कोई ऑथेंटिक ईमेल का यूज करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन कोई भी ईमेल अगर अपन देखते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि लुक लाइक ऑथेंटिक ईमेल पर वो होता नहीं है, या अपन कह सकते हैं ऑथेंटिक वेबसाइट ऐसा लगता है पर वो होती नहीं है. तो उसमें अगर अपन कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अगर अपन टाइप करते हैं उस इन जो वेबसाइट या ईमेल में अपन अगले को सेंड करते हैं तो वो उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा, और एक्वायर करेगा तो क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन सारी उसके पास चली जाएगी. इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं. इसे पेज फिशिंग भी कहा जाता है कि जनरली ये फ्रॉड पेज बनाते हैं लुक लाइक कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है और देन क्या करते हैं, लोगों से उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज फार्मिंग. फार्मिंग इज एन अटैक इन विच ए हैकर अटेम्प्ट टू रीडायरेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक टू अनोदर बोगस वेबसाइट. फार्मिंग यहाँ पे क्या है, फार्मिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जनरली कोई भी वेबसाइट को अगर अपन एक्सेस करते हैं तो उस ट्रैफिक को वो क्या करते हैं, कोई भी बोगस वेबसाइट पे ट्रांसफर कर देते हैं या अपन कह सकते हैं रीडायरेक्ट कर देते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया है कि सच है अगर अपन को flipkart.com पे जाना है तो उसके जैसे किसी अदर वेबसाइट के ऊपर अगर अपन चले जाते हैं या उस जो अपन रिक्वेस्ट अगर अपन करते हैं, जो भी अपन वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उस वो रिक्वेस्ट है, जो भी अपन से यहाँ से डेटा है वो जा रहा है, वो किसा कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, वो किसी अदर बोगस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं. थ्रू फार्मिंग अटैक द अटैकर पॉइंट यू टू अ मैलिशियस और इललेजिटिमेट वेबसाइट बाई रीडायरेक्टिंग द लेजिटिमेट URL. कहने का मतलब ये हो गया कि जो फार्मिंग अटैक क्या करता है कि जो भी लेजिटिमेट URL है, जो भी लीगल URL है, उस के जो ट्रैफिक को कहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, इलीगल वेबसाइट पे क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है.
इवन इफ द URL इज इंटर्ड करेक्टली, अगर आप URL सही भी देते हो, इट कैन स्टिल बी रीडायरेक्टेड टू ए फेक वेबसाइट. कई बार अपन क्या करते हैं, जो URL सही देते हैं देन फिर भी अपन किस पे चले आते हैं, किसी फेक वेबसाइट पे चले आते हैं. इस अटैक को अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग अटैक कहते हैं. नेक्स्ट इज कुकीज. ए कुकी इज ऑल्सो नोन एज वेब कुकीज और ब्राउजर कुकीज. इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन द यूजर वेब ब्राउजर while a user browsing a website. कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उस टाइम पे जो आपका वेबसाइट है या अपन कह सकते हो जो सर्वर है, वो क्या करेगा, कुछ एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशन को किस पे सेंड करेगा, यूजर ब्राउजर पे सेंड करेगा. उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं. जैसे लाइक यूजर नेम, या अपन कह सकते हैं जो भी अपन सर्च करते हैं, जो भी अपना इंटरेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सकती है. तो उसको अगर आपका जो सर्वर है वो आपके ब्राउजर तक सेंड करता है और ब्राउजर पे आगे अगर वो सेव होती है, तो वो जो फाइल होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं. और कुकीज़ किस में होती है, लगभग अपन कह सकते हैं कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर होती है लेस देन 50 कैरेक्टर. सम कुकीज़ डिसअपियर आफ्टर यूजर क्लॉज हिज ब्राउजर. जो कुछ कुकीज ऐसी होती है, जब आप अपने ब्राउजर को अगर क्लोज कर देते हो देन वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है. वाइल अदर्स नॉन एज ट्रैकिंग कुकीज, और जो अन्य प्रकार की जो कुकी है वो क्या है, ट्रैकिंग कुकीज है, रिमेन सेव एंड अलॉट द नेक्स्ट टाइम यूजर विजिट द सेम वेबसाइट. और जो आपकी ट्रैकिंग कुकीज है वो कैसी कुकीज है, जो आपके सेव हो जाती है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे जाते हैं देन वो वहाँ पे लोड हो जाती है. तो देखिए, जब भी अपन अगर अपन YouTube का यूज करते हैं, तो आप देख पा, आप अगर आप बार बार YouTube यूज कर रहे हो तो आप देखते हो कि जो भी अपन अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोज अगर अपन देखते हैं, वही वीडियोज आपको शो होते हैं. इवन जस्ट लाइक अगर आप कोई पोइम सुनना पसंद करते हैं, तो जो भी राइटर है उनके वीडियोज आपके सामने शो होंगे, क्योंकि आप उसी इंफॉर्मेशन को बार बार क्या करते हैं, सर्च करते हैं. तो वो होती है आपकी ट्रैकिंग कुकीज. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें या अपन कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे अपन जाते हैं, जो जो अपन सर्च करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन अपन गेट करते हैं, वो सारी की सारी एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, या अपन कहते हैं कि टेक्स्ट फाइल के अंदर आके कहाँ पे सेव होती है, आपके ब्राउजर के ऊपर सेव होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं. नेक्स्ट इज दीज कुकीज हेल्प ट्रैक यूजर ब्राउजिंग सेशन एंड लॉड इन्फॉर्मेशन फास्टर. ये जो कुकीज है हेल्प करती है किसके अंदर, जो ब्राउजिंग सेशन के अंदर, ब्राउजिंग सेशन आपका कम हो जाता है, अपन कह सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से लोड हो जाती है. किस टाइप का आप सर्च करते हो, किस टाइप की आप वेबसाइट पे जाते हो, क्या क्या वहाँ पे काम करते हो. अगर अपन कहें कि अगर अपन किसी वेबसाइट पे बार बार जाते हैं, उसमें बार बार अपन यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं, तो कई बार अपन देखते हैं यूज़र आईडी में अगर फर्स्ट कैरेक्टर लिखते हो तो सारी सारी यूज़र आईडी है वो आपको शो होने लग जाती है. वो किसके थ्रू होता है, वो कुकीज़ के थ्रू होता है. बट क्रिएट सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न एज वेल. ये हेल्प तो करती है पर इसमें प्राइवेसी कंसर्न भी है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपन को उसको सोचना पड़ता है, या अपन कहते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो सही नहीं है. अब कैसे नहीं है उसकी बात करते हैं, क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न है. फर्स्ट इज सेशन डेटा. वेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस such as your email, online bank, you may not have to enter your username and password to get it. कि बार बार अगर अपन regular किसी एक website पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको email ID या अपना password है, sorry, username और password आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे लाइक कोई आपका online banking हो सकती है या कोई भी email हो सकती है. That's because the information is being pulled from the tracking cookies. तो ये सारी की सारी information है वो किसके पास चली जाती है, वो ट्रैकिंग कुकीज के पास चली जाती है. वाइल दीज कुकीज इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन दे स्टोर. और ये कुकीज क्या करती है, उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर कर लेती है. इट मींस अपना डेटा इनक्रिप्ट होके स्टोर होता है. इफ समबडी फाउंड आउट द इंक्रिप्शन की, अगर कोई भी उस इंक्रिप्शन की को फाइंड कर लेता है, उस इंक्रिप्शन की को उसका पता लगा लेता है, एंड एक्वायर्ड योर कुकीज, और आपकी कुकीज को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है,
ही कुड डिस्कवर योर पासवर्ड, वो आपके पासवर्ड का पता भी लगा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आपके कुकीज है आपके वेब ब्राउजर पे सेव होती है, अगर अपन कहें वो ट्रैकिंग कुकीज़ है तो क्या होगा, वो जनरली तो किसके अंदर होगी, इनक्रिप्टेड मोड के अंदर होगी, पर अगर इंक्रिप्शन की का पता अगर कोई जो हैकर्स वगैरह लगा लेते हैं तो वो आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड का पता भी लगा सकते हैं। वाइल द ऑड्स ऑफ दिस हैपनिंग आर एक्सट्रीमली स्मॉल, द रिस्क डज एग्जिस्ट। हालांकि ये ऐसा है कि बहुत कम होता है ऐसा कि ऐसा हो जाए कि कोई भी आपके इंक्रिप्शन की का पता लगा पाए, पर हाँ एक रिस्क तो जरूर है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। व्हेन यू विजिट अ सर्टेन वेबसाइट विद एडवर्टाइजमेंट, दोज एड्स क्रिएट कुकीज दैट स्टोर एंड ट्रैक योर ऑनलाइन पैटर्न। कि जब भी अपन किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, आपकी कुकीज़ है उसको क्रिएट कर लेते हैं, और आपके जो भी ऑनलाइन जो पैटर्न है, जो भी आप ऑनलाइन करते हो, तो उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंप्यूटर। वाइल द सेम जनरल थ्रेड्स एग्जिस्ट फॉर ट्रैफिक कुकीज, सेव ऑन पब्लिक और सैड कंप्यूटर एज दोज सेव ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं पे भी ऑनलाइन या अपन कह सकते हैं इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो जो सिक्योरिटी थ्रेड्स आपके पर्सनल कंप्यूटर पे होते हैं वही आपके कहाँ होते हैं, पब्लिक कंप्यूटर पे होते हैं। द मच लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल हु हैव एक्सेस टू दीज कंप्यूटर मैक सेविंग ट्रैफिक कुकीज मोर रिस्की। अगर अपन बात करें कि ऐसा कोई पीसी है जहाँ पर बहुत सारे लोग उस पीसी को यूज करते हैं, कोई पब्लिक पीसी है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक कुकीज है वो वहाँ पे सेव हो जाती है। तो कहने का मतलब अपना ये होता है कि व्हेन यू फिनिश यूजिंग ए पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर, डिलीट द कुकीज टू एंश्योर दैट द नेक्स्ट पीपल हु यूज द सेम कंप्यूटर कांट एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन पब्लिक कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो कुकीज़ आपकी सेव हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन पब्लिक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो अपन ये इंश्योर कर ले कि अपन ने जो भी कुकीज़ है उसको डिलीट कर दिया है, और जो नेक्स्ट जो भी पीपल आएगा, जो भी यूज़र आएगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो ये कुछ प्राइवेसी कंसर्न है अबाउट कुकीज़। थैंक यू।